हेलो दोस्तों, मैं हूँ पायल वर्मा। विदेश यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं एरिया। कोई भी फिगर दिया रहेगा, उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल का हमें फॉर्मूला निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, इसको हमें याद रखना है, ठीक है। ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करने पर किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट हो जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। दूसरा होता है वर्ग, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो लेंथ इनटू लेंथ, क्योंकि उसकी लेंथ ब्रेथ जो है वो समान रहती है, इक्वल होती है, इसीलिए उसको लेंथ इनटू लेंथ या फिर ब्रेथ इनटू ब्रेथ या फिर साइड इनटू साइड भी बोल सकते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। चारों भुजाएं रहती है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे भुजा गुणित भुजा करके, तब हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है, लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। ये है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दिया है 8 सेंटीमीटर। अब ये और ये इक्वल है, ये 8 सेंटीमीटर हुआ तो ये भी 8 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद इसका ब्रेथ दे दिया है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, ये दोनों इक्वल होते हैं तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब इसकी हमको एरिया फाइंड आउट करनी है, तो हम यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल या फिर सिर्फ हम एरिया, रेक्टेंगल तो दिया हुआ है, हम एरिया पहले तो लेंथ और ब्रेथ कितने कितने हैं उसको लिख लेते हैं। लेंथ दे दिया है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे दिया है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। अब देयरफॉर का साइन लगाने के बाद यहाँ करेंगे हम एरिया इक्वल टू, क्या जानते हैं, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। एल इंटू बी भी हम इसको नोट कर सकते हैं, या लेंथ का एल ब्रेथ का बी, ठीक है। लेंथ में दे दिया है 8 सेंटीमीटर और ब्रेथ में दे दिया है 4 सेंटीमीटर। लेंथ इंटू ब्रेथ 8 × 4 = 32 या 4 × 8 = 32 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे हमको एरिया निकाल रहे हैं तो यहाँ पे स्क्वायर लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी रेक्टेंगल है, फिर से हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, लेंथ 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ 15 सेंटीमीटर, ये भी 25 हो जाएगा और ये 15 सेंटीमीटर। अभी हम यहाँ पे गिवन दैट करके लिख सकते हैं। गिवन दैट दिया है कि क्या दिया हुआ है हमारे पास, लेंथ, लेंथ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अब देयर फॉर एरिया, एरिया हमको फाइंड आउट करनी है, तो एरिया करके एल इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 15, 15 × 5 = 75 का 5 है ना, उसके बाद 7 जो है कैरी हो जाएगा, 15 × 2 = 30, 30 × 7 = 37। यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ अ रेक्टेंगल इज 15 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स उसकी लेंथ है, इसकी लेंथ दे दिया है 15 सेंटीमीटर एंड 6 मीटर वाइड, सॉरी मीटर में है, और 6 मीटर वाइड, वाइड मीन्स चौड़ाई है उसका, चौड़ाई को ब्रेथ भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा 6 मीटर।
ये 15 है तो उसके सामने वाला जो साइड है वो भी 15 होगा, ये 6 है तो यहाँ भी 6 होगा। फिर से गिवन दैट करके हम नोट करेंगे, गिवन दैट लेंथ इक्वल टू 15 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 6 मीटर, देयर फॉर एरिया इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 6 मीटर, 6 5 30 का 0, 3 कैरी, 6 1 6, 6 और 3 9, 90 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द साइड ऑफ आर स्क्वायर इज 9 मीटर। अब स्क्वायर दे दिया है, उसमें साइड दिया है 9 मीटर, वन साइड दिया है, इसका मतलब ये है स्क्वायर जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, मतलब हमें यहाँ पे पूरे साइड का मेजरमेंट है जो दे दिया है, ठीक है। कितना दिया है 9 मीटर, ये 9 मीटर है और पूरे साइड्स इक्वल होते हैं तो पूरा हो जाएगा 9 मीटर हो जाएगा। उसके बाद बोला है फाइंड द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, स्क्वायर का हमको एरिया फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे साइड क्या दिया है, साइड इक्वल टू दिया है 9 मीटर और हम एरिया क्या जानते हैं, देयर फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, साइड को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एरिया फाइंड आउट हो जाएगा 9 मीटर इंटू 9 मीटर, तो 9 9 81 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज साइड इज 16 मीटर, है ना, जिसका साइड जो दे दिया है 16 मीटर है, ये स्क्वायर बना देते हैं, इसका साइड जो है 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर, है ना, साइड इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, देयरफॉर एरिया इक्वल टू 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर, 16 16 होता है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, द कबड्डी फील्ड इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड, व्हाट विल इट्स एरिया बी। अब कबड्डी फील्ड की बात कर रहा है, कबड्डी फील्ड जो है 14 मीटर लॉन्ग है और 8 मीटर ब्रॉड है, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, ये रेक्टेंगल बन जाएगी, कबड्डी फील्ड जो है रेक्टेंगल में है, इसका जो लॉन्ग है, लॉन्ग लेंथ जो है 14 मीटर दिया है और ब्रॉड है, ब्रेथ कितना है 8 मीटर, ये 14 है तो ये भी 14 मीटर हो जाएगा, 8 है तो यहाँ भी 8 मीटर हो जाएगा। फिर जो जो हमको दिया हुआ है, गिवन है, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ इक्वल टू 14 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 8 मीटर, देयरफॉर एरिया इक्वल टू 14 मीटर मल्टीप्लाई 8 मीटर, 8 4 32 का 2, 3 कैरी, 8 1 8 8 और 3 11 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैरम बोर्ड हैज अ साइड ऑफ 75 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। अब जो कैरम बोर्ड होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर में होता है, स्क्वायर में उसका हमको साइड दे दिया है 75 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया को फाइंड आउट कर दी है। यहाँ पे 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर
75 सेंटीमीटर ना। उसके बाद यहाँ पे हम नोट करेंगे साइड, साइड कितना दिया है 75 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई 75 है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा 5625 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेन द लेंथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इफ द ब्रेथ इज 9 मीटर फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। यहाँ पे लेंथ नहीं दिया गया है, ओनली ब्रेथ दिया गया है और बोला गया है कि इसका जो लेंथ है ब्रेथ से ट्वाइस है, ट्वाइस है मीन्स डबल है। तो 9 से कितना डबल, डबल मतलब हो जाएगा 9 to 18 मीटर है ना। फाइंड आउट करते हैं इसका, इसमें दे दिया है इसका ब्रेथ दे दिया है 9 मीटर, ये 9 मीटर और बोला गया है इसका लेंथ जो है ब्रेथ से ट्वाइस है, ट्वाइस से डबल है 9 to 18 मीटर, 18 मीटर यहाँ पे भी 18 मीटर। अब लेंथ, लेंथ हमको फाइंड आउट हो गया, लेंथ कितना हो जाएगा 18 मीटर, ब्रेथ जो है 9 मीटर और देयरफॉर करके एरिया हमको फाइंड आउट करनी है। एरिया इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 18 मीटर मल्टीप्लाई 9 मीटर, 9 एट्स 72, 72 का 2 7 कैरी हो जाएगा, 9 वन जो 9, 9 और 7 हो जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। इस तरह से एरिया ऑफ रेक्टेंगल आयत का क्षेत्रफल और एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल को फाइंड आउट किया जाता है।